हेलो फ्रेंड्स, उन्नति कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। मैं उमेश। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रुक्मणी पब्लिकेशंस की प्रीवियस ईयर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये रुक्मणी पब्लिकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये रुक्मणी पब्लिकेशंस है, सार संग्रह द प्लेटफॉर्म बुक। दोस्तों, इसमें हमने कुछ कंटेंट्स जो हैं इसके हमने पूरे कर लिए हैं। विषय सूची मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, ये पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सारे वीडियो इसमें हमने अपलोड कर दिए हैं। सेकंड जो है राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं आंदोलन, ये पार्ट भी हमने कम्प्लीट कर दिया है इस चैनल में। अब मैं बात करता हूँ पार्ट नंबर 7 के विविध विविध पार्ट भी हमारा जो है इस चैनल में सारे के सारे पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अभी जो हमारा रनिंग में है, जो अभी हम जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं, इसके कुछ पार्ट पेंडिंग है, वो है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। इसके दो पार्ट आई थिंक अपलोड हो चुके हैं, तीसरा पार्ट मैं इसका आज बनाने जा रहा हूँ। और आप इन सब पार्टों को बड़े ध्यान से देखना, जितने भी पार्ट्स हैं इसके, जितने भी टॉपिक हैं इसमें, और अपने नोट्स बनाना प्लीज़ मत भूलिएगा। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि प्रीवियस ईयर के लिए इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में रखे गए हैं, प्रीवियस ईयर्स में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। जो भी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बुक काफ़ी यूज़फुल बुक साबित होने वाली है। तो इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए और प्रीवियस जितने भी पार्ट हैं उनको बड़े ध्यान से देखिए, समझिए, याद करने का प्रयास करिए और नोट्स प्लीज़ ज़रूर बनाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले अपना ये आज का वीडियो। देखिए, इसमें जो है, मैं अगेन आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने लिया है सार संग्रह भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, ये अभी हमारा पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बालत श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया। अनुच्छेद 23 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा गणतंत्र के अंतर्गत। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। देखिए, गणतंत्र के अंतर्गत ये बोला गया है कि कोई भी राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा। जैसे किसी का पिता अगर राजा है तो उसका पुत्र भी राजा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई पर्सन कैलिबल है, कोई व्यक्ति अगर कैलिबल है, उसके अंदर इतनी योग्यता है कि वह राजा बन सके, तभी वह राजा बनेगा। वंशानुगत का जो शब्द है ये हमारे संविधान से बाहर कर दिया गया है, इसको इरेज कर दिया है। ठीक है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने पर प्रावधान है। 124 मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश से प्रभावित है, ब्रिटेन से। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ये भी क्वेश्चंस मोस्ट एमपी क्वेश्चंस है। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान है। यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया, 26 जनवरी 1957 को। ये ईयर कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, तो आप याद रखिएगा, हमारा जो रिवॉल्ट हुआ था वो हुआ था 1857 में। ठीक है, उसके 100 साल बाद हमारा क्या बना, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इस तरह से इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है, एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, न्यायमूर्ति फजल अली। और भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना था पहला, वो बना था 1956 में। कौन सा राज्य बना था सबसे पहला जो भाषा के आधार पर बना था, वो था हमारा आंध्र प्रदेश, इसको हम बोलते हैं एपी। ठीक है, प्राण और दैहिक
स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 21 के तहत। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? सातवां संविधान संशोधन, सातवां जो अमेंडमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग 1956 में जम्मू कश्मीर राज्य जो है भारत का एक प्रांत बन गया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में। किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियों या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव का या लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? निंदा प्रस्ताव। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यों का बंटवारा कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। इमरजेंसी कहाँ से ली है? जर्मनी से। मौलिक कर्तव्य रूस से और मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो कुछ पॉइंट हैं जो एग्जाम में पूछ लेता है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वीजे खेर। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान ठीक है किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? 29। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री के परामर्श से। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? 42वें संशोधन के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? सितंबर 1946 में। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? संयुक्त प्रांत के। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया रखी गई? संशोधन प्रक्रिया रखी गई, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, तो इसमें आप स्टार लगाइए और इसको नोट करिए। 368 के अंतर्गत। किसने कहा है आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता? दुर्गादास बसु। राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? यह हैं 2 मोस्ट एमपी। और राज्यसभा में कितने करते हैं? टोटल में 12, तो आप इसको लिख लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? 65 ईयर, 65 साल में वो क्या होता है? सेवानिवृत्त हो जाता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता? जब वह संसद का सदस्य नहीं हो। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कर्तव्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? राष्ट्रपति के। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कर्तव्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किस सदन में रखा जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ? नीलम संजीव रेड्डी का। कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है? दोस्तों नहीं होता है बोल रहा है वो, ठीक है, जब वह लोकसभा सदस्य नहीं हो। संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? संविधान में इस संबंध में किसी सीमा का उल्लेख नहीं है। केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से
किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के समक्ष? संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? संविधान के 4A पार्ट में, मोस्ट टाइम पे। किस रिट का शाब्दिक अर्थ क्या है? रिट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी, इसको बोलते हैं कुआ वारंटो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार ने निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है? 14 वर्ष की आयु तक के लिए। भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है? संविधान ने कोई समय सीमा तय नहीं करी है इसके लिए। 26 जनवरी 1950 से 12 जनवरी 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा में। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्य सूची में पहला विषय कौन सा होता है? प्रश्न काल। किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानून को नवी अनुसूची में स्थान दिया गया? 19वें संविधान संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई? अनुच्छेद 27 के तहत। 1952 के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई? 14 दलों को, 14 दलों को। संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेद वार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया? 15 नवंबर 1948 से। संविधान सभा के अंतरिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई हैं जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 3 कॉपी बनाई गई हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 में की गई। पहली बार जो इमरजेंसी लगी थी भारत में कब लगी थी? 26 अक्टूबर 1952 को, सॉरी 62 को, 62 को। दूसरी इमरजेंसी कब लगी थी? 1971 को। ये इमरजेंसी जो भी लगी है ये लगी है इंदिरा गांधी के टाइम पर, ठीक है। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? 2 माह के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी? संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ठीक है, जिनके नाम क्रमशः क्या होंगे? राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 79 में। तो इसलिए ये क्वेश्चंस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है, इसलिए इसको स्टार मिलता है, ठीक है। स्टार का मतलब है कि मोस्ट एमपी क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मी। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दें? अनुच्छेद 135 के अनुसार किस संविधान संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा? 80वें संविधान संशोधन के द्वारा, और ये कब हुआ था? 1 अप्रैल 1966 में लागू हुआ था। किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया है?
महान्यायवादी की। संविधान का प्रारूप करने के लिए, प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति जिसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो इसको स्किप मत करना। 19 अगस्त 1947 को याद रखिएगा, 19 अगस्त 1947 को संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था, जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, 24 जनवरी 1950। संविधान सभा का अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया, 26 जनवरी 1950। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होगा, भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। देखिए इसके लिए क्या है, इसके लिए एक पीरियड दिया गया, अगर वो 7 साल तक बाहर रहता है, जैसे कि कोई अगर इंसान अमेरिका चला गया 7 ईयर तक और उसने इंडिया में 7 ईयर तक कोई एक्टिविटी नहीं करी, जैसे उसने वोट नहीं दिया या घर कभी नहीं आया वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स के पास में, या उसने इंडिया के कभी दर्शन नहीं करे, तो 7 ईयर तक अगर वो रेगुलर बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता क्या होगी, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। अगर उसको नागरिकता बनाए रखनी है भारत की तो उसको 7 साल में कम से कम एक चक्कर भारत में आके लगाना पड़ेगा, यहाँ की जो ऑफिशियल जो एक्टिविटी होती है वो उसे करनी पड़ेगी, जैसे बैंक की ट्रांजेक्शन्स होती है या फिर कोई वोटिंग कार्ड में अपना वोट देना होता है सिंपल, तो ऐसी एक्टिविटी अगर वो नहीं करता है 7 ईयर तक तो उसकी नागरिकता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई, अनुच्छेद 19 के द्वारा मोस्ट आई एम पी, धन विधेयक पर राज्यसभा की उनके कार्यकाल के दौरान हुई, धन विधेयक पर राज्यसभा की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई केवल सिफारिशी अधिकार के द्वारा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है इसको आप मत पढ़िएगा। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी, ये क्वेश्चन राइट है। देखिए राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान किसकी हुई, उनका नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन तब राष्ट्रपति थे, उनकी मृत्यु हुई और फरुखुद्दीन अली अहमद की। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल, इनमें से कोई एक वो होता है राज्यपाल। जम्मू कश्मीर के विषय में सांसद की अधिकारिता किन विषयों तक है, केवल संघ सूची में वर्णित विषयों तक। राज्य के निम्न एवं उच्च सदन क्या कहे जाते हैं, क्रमशः विधानसभा एवं विधान परिषद। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति है, राष्ट्रपति। महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया, पी के सन मुखम चेट्टी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं लास्ट, देखिए राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को। किसी नजरबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मोस्ट टाइम पे। यदि कोई व्यक्ति अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहे तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, उसे अपनी पसंद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार है। भारतीय सभा में की प्रस्तावना में न्याय शब्द ठीक है का प्रयोग किस अर्थ में होता है, न्याय का अर्थ क्या है संविधान में, इसमें ये पूछा गया है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी आरक्षित सीटें हैं, 0। भारत के संविधान में कितने भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है, 18 भाषाओं को।
अब ये जो लैंग्वेज हो चुकी है ये चेंज हो चुकी है, तो अब जो बन चुकी है वो बन चुकी है टोटल 22। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। संविधान के अंतर्विशिष्ट राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार हुई? 3 बार। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन का प्रावधान लिया गया? अगेन क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, 368 के अंतर्गत। संविधान संशोधन के लिए विधेयक संसद के किस सदन में पेश करा जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में संशोधन विधेयक पेश करा जा सकता है, ठीक है। संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? केशवानंद भारती के मामले में 1973 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश का क्या नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया, यही दो नाम हमारे संविधान में देखने को मिलते हैं। भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? पंजाब में, और मैक्सिमा पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो पंजाब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? ब्रिटेन में पूछ रहा है वो, ब्रिटेन में कौन सी सरकार थी उस टाइम पे? उस टाइम पे थे लेबर पार्टी। प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम पे? क्लीमेंट एंटली। तो ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत कराया जा सकता है। ये क्वेश्चंस भी मोस्ट टाइम पे संसद में सभी प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? नहीं। कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ? V.V. गिरी। क्या अंतरिम अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। भारत के राष्ट्रपति को किसे वेतन दिया जाता है? भारत के संचित निधि से। भारत के राष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? भारत के संचित निधि से। संसद के सदन में सरकारी विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य है। संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है? प्रस्तावना में। भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार हुई है? एक बार भी नहीं हुई है। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया है? भारतीय डाकघर अधिनियम। भारत के किस राज्य में उर्दू को सर्वप्रथम भारत का राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? जो जम्मू कश्मीर की जो राजभाषा है वो है उर्दू। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। हमको क्या लगता है कि हमारी हिंदी होगी, पूरा इंडिया जो है पूरा हिंदी बोलता है, तो जम्मू कश्मीर भी जो आता है हमारा इंडिया में आता है तो हिंदी होगी, बट ऐसा नहीं है। इसकी जो राजभाषा है वो उर्दू है, ठीक है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होता है? संसद और विधानसभा के। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? लोक लेखा समिति। लोक सभा अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ ग्रहण कराता है? कोई नहीं। जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने समय के अंदर उस विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है? तो कोई समय नहीं होता राष्ट्रपति के लिए, पहली बात तो यह है, ठीक है। राष्ट्रपति जितना भी टाइम ले सकता है, उसे कितने भी समय के लिए होल्ड रख सकता है। राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज पर
खुला मतदान हुआ 1969 में, जब वीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए थे। 20 जुलाई 1969 को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य ग्रहण करने से पूर्व एम हिदायतुल्ला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलवाई? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम लोक न्यायाधीश ने। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को जो आवश्यक बहुमत जुटा सके। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? लोकसभा के प्रति। मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। मंत्रिपरिषद में वरीयता क्रम है कैबिनेट मंत्री, फिर आता है राष्ट्रपति, फिर उपमंत्री। ये इसकी सही सीरीज है, ठीक है। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और यूपी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको नोट्स में अपने। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जर्मनी के वाइमर संविधान से। आपातकाल देखिए कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। ये आप नोट्स में लिखना, पूरा लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? 44वें संविधान संशोधन से। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई 1955 के नागरिकता कानून में। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालता है अधिक से अधिक 6 मंथ तक। 6 मंथ के अंतर्गत अंदर ही अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, ऐसा हमारे संविधान में कहा गया है। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74(1) में। पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद के। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितने अवधि के पश्चात करते हैं? 2 वर्ष के। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की? राष्ट्रपति ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश हैं? 25। ये क्वेश्चंस ओल्ड है, नया अपडेट में आपको बताऊंगा। भारत में द्विसदन के कुल कितने राज्य हैं? 5। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित है? 79। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। लक्षद्वीप का न्यायालय कौन सा आता है? केरल उच्च न्यायालय। आम चुनावों में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? अधिकतम 2। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय लेता है? उच्चतम न्यायालय। संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत के संविधान का निर्माण सभा द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 के अंतर्गत। संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता जो था वो कौन था? B.N. राव थे। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान के हृदय की आत्मा कहा है? मोस्ट एम पी। मोस्ट एम पी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो है हमारा राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिमीड्स, मतलब संविधान उपचारों के अधिकार को इन्होंने क्या बोला है? हार्ट एंड सोल। किस लेख, मतलब रिट का अर्थ क्या है? अगेन ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, पहले हम बता चुके हैं इसको। अधिकार परीक्षा मतलब क्वार्टर वारंटो। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। मूल संविधान के अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 395 अनुच्छेद एवं 9वीं अनुसूची। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों
के संघ के रूप में। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक, दोनों का समन्वय। भारत भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्र अधिकार में आते हैं? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची केंद्र के अंडर भी आती है और राज्य के दोनों के अधिकारों को दिखाती है। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? भाग 2 में। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? ब्रिटिश संसद में। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? पैथिल लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर, मोस्ट एमपी। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस सीमा पर सौंपा गया? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों पर। मौलिक अधिकार की जो रक्षा करता है वो कौन करता है? उच्चतम न्यायालय और या तथा उच्च न्यायालय। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं अगेन आपसे वही बात रिपीट करना चाहूँगा कि कौन कौन से कंटेंट हमारे पूरे हो चुके हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए, उन्नति कंपटीशन क्लासेस की पूरी टीम की ओर से हमने पहला कंटेंट पूरा कर लिया है, आप हमारे प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। सेकंड कंटेंट हमारा पूरा हो चुका है, राष्ट्रीय स्वतंत्र आंदोलन, ये भी कंप्लीट है। ये अभी रनिंग में चल रहा है फिलहाल, अभी हम इसको पूरा करने जा रहे हैं बहुत जल्द। और विविध पार्ट हमने पूरा अपलोड कर दिया है। जो भी सब्सक्राइबर्स इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, ये चैनल आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर भेजिएगा। इस चैनल के माध्यम से ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल मुफ्त ये चैनल है जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपकी बहुत 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 हेल्प करने वाला है। लेकिन परंतु अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं, फेयर नोट्स बना रहे हैं, तभी इस चैनल का आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप वीडियो को सोचते हैं कि एक बार वॉच करके क्लोज कर देंगे, याद हो गया, तो उसमें डेप्रिसिएशन लगने की संभावना बहुत अधिक होती है। इस चैनल में हमने वॉकअप भी काफ़ी न्यू ट्रिक के साथ, जिसको बोलते हैं निमोनिक मेथड, वो भी करिए अपलोड। एक बुक है राजेश्वरी पब्लिकेशंस की, जिसमें वर्डों को रियल लाइफ से रिलेट करा गया है, आप उन सब वीडियो को देख सकते हैं। जो भी MTS का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अप्रैल में LDC का एग्ज़ाम देंगे, अभी जिसका टारगेट है SSC CGL का, ये चैनल उन सब एस्पिरेंट के लिए बहुत ही बहुत यूज़फुल होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ उन्नति कंपटीशन क्लासेस की पूरी टीम की ओर से मैं उमेश लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। जुड़े रहिए, बने रहिए, इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशंस की, उन तक इस वीडियो को शेयर प्लीज़ जरूर करिएगा और लाइक का बटन प्रेस करना प्लीज़ मत भूलिएगा। धन्यवाद।